जब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की मेमोरी भर जाती है तो आपको एक नई हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ती है, चाहे वो SSD हो या फिर HDD हो। आप इसको इंस्टॉल भी कर लेते हो अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, लेकिन फिर भी यह आपके फाइल मैनेजर के अंदर शो नहीं होती, मतलब कि आपके यह माई कंप्यूटर के अंदर भी शो नहीं होती। तो ऐसे में आपको उस मेमोरी को स्पेसिफाइड करना पड़ता है, क्योंकि नई मेमोरी अनस्पेसिफाइड रहती है। इसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप करने हैं वह मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने SSD को अपने कंप्यूटर के अंदर लगा लिया है, लेकिन फिर भी यह दिस PC के अंदर शो नहीं हो रही है। अब मैं आपको अपने डिवाइस मैनेजर दिखाता हूँ। देखिए, यह इसमें शो हो रही है, बट यह मेरे दिस PC में शो नहीं हो रही, क्योंकि यह अनएलोकेटेड मेमोरी है। मतलब कि कंप्यूटर को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस मेमोरी को लॉजिकल वे में लूं या फिर सिस्टम वे में। चलिए देखते हैं इस मेमोरी को कैसे यूजेबल बनाएं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जाना है, जो कि आपको आपके कंट्रोल पैनल के अंदर मिलेगा। अब आपको लिस्ट में कंप्यूटर मैनेजमेंट मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने यह इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपको डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर लेना है और आपके सामने यह सभी मेमोरी की लिस्ट दिखा देगा। अब आपको नए वाली हार्ड डिस्क पे राइट क्लिक करना है और उसके ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक करना है। अब आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड वाली विंडो दिखाई देगी। अब आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यह आपको वॉल्यूम का साइज पूछेगा, मतलब कि आपको कितने GB की एक पार्ट चाहिए जिसमें आपको डाटा स्टोर करना है। तो अब आपको यह जो भी इन्फॉर्मेशन मांगता चला जाएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। तो इससे आपकी मेमोरी जो है वो एलोकेटेड हो जाएगी एज ए यूज़ करने के लिए। फाइनली आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे दिस PC के अंदर यह शो हो रही है नहीं। ये देखिए, यह शो होने लगी है। इस तरह से आप अपने एक नई हार्ड डिस्क को एलोकेट कर सकते हैं यूज़ करने के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर। ऐसा ही सेम प्रोसीजर आपके लैपटॉप के अंदर भी रहेगा। अगर आप उसमें एक नई SSD लगाते हैं या फिर एक नई हार्ड डिस्क लगाते हैं, आप इसको अपने कंप्यूटर के बूट मेन्यू में जाकर भी कर सकते हैं। उसमें आपको पार्टीशन बनाना पड़ेगा, जिससे यह मेमोरी आपके कंप्यूटर में शो होने लगेगी।